दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाएं नोटिफिकेशन बेल को ताकि आप जुड़े रहें सबसे पहले हमारी अपडेट्स के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे आप अपने फेसबुक पेज पर बैंक डिटेल कैसे ऐड कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपका भी फेसबुक पेज है और आप अपने फेसबुक पेज पर बैंक डिटेल ऐड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने अपने फेसबुक पेज को मोबाइल में या फिर लैपटॉप में अपने फेसबुक आईडी को ओपन कर लेना है। फेसबुक आईडी को ओपन करने के बाद गूगल क्रोम ब्राउजर में आपने लिखना है फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो, ये लिखकर आप सर्च करेंगे। सबसे पहले जैसे ही आप लिखकर सर्च करेंगे तो आपने उसके बाद अपना फेसबुक पेज वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर यहाँ आप देखेंगे आपके जितने भी फेसबुक पेज होंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। आपने जिस फेसबुक पेज के लिए बैंक डिटेल पे आउट सेट करना है उसको आपने सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद आपने व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखा देगा गेट स्टार्टेड का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपने स्टार्ट सेटअप वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है। स्टार्ट सेटअप वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो आपने यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना है और सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ऊपर आप देख सकते हैं सेटअप पे आउट अकाउंट, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे सेटअप पे आउट अकाउंट पर यहाँ पर एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसको आपने भरना है। तो यहाँ पर लिखा आ चुका है क्रिएट न्यू पे आउट अकाउंट, तो इस वाले ऑप्शन पर आपने नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी कंट्री पूछी जाएगी, तो आपने यहाँ पर कंट्री सेट कर देनी है जो भी आपकी कंट्री है। जैसे मैं इंडिया से हूँ तो यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर दूंगा। देखते हैं यदि आपका कोई बिजनेस है तो आप बिजनेस कर सकते हैं। इंडिविजुअल कर देंगे, जैसे ही आप इंडिविजुअल करेंगे तो यहाँ पर एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 सेटअप जो है कम्प्लीट करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया लिखा आ चुका है, इंडिविजुअल हो चुका है। उसके बाद आपने अपना नाम डाल देना है जो भी आपका नाम है आधार कार्ड में। मिडल नेम ऑप्शनल है, यदि आपका है तो आप डाल सकते हैं, यदि नहीं है तो इसको नहीं डालना। उसके बाद श्योर नेम लास्ट नेम होता है तो ये भी यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद बिजनेस एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, जहाँ पर जो है आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आते हैं वो एड्रेस यहाँ पर डालना है। आपने टाउन सिटी यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट कर देनी है। उसके बाद पोस्टल कोड, पोस्टल कोड में दोस्तों पोस्टल कोड और पिन कोड सेम होता है तो यहाँ पर आप पिन कोड भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर डालकर नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक और पेज ओपन यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। जैसे ही आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे उसके बाद आपने अपना होम एड्रेस डालना है। वहां पर आपका बिजनेस एड्रेस था, यहाँ पर आप अपना होम एड्रेस डाल सकते हैं। बिजनेस और होम एड्रेस सेम है तो सेम भी डाल सकते हैं। उसके बाद सिटी और टाउन यहाँ पर डाल सकते हैं, कंट्री यहाँ पर डाल सकते हैं, पोस्टल कोड यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डाल देंगे। जैसे ही दोस्तों आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपने अपनी कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अकाउंट होल्डर नेम, जो भी आपका बैंक में नाम है वो यहाँ पर डाल देना है। बाद आपने शिफ्ट कोड यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपने अकाउंट नंबर यहाँ पर डालना है, यदि आपका पेपल अकाउंट है तो वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। कोड यदि आपका एक्सिस बैंक का है तो आपकी कॉपी पर मिल जाएगा, अगर किसी अलग बैंक का है तो आप बैंक में जाकर पता कर लेंगे शिफ्ट कोड क्या है, वो यहाँ पर ऐड कर देना है। जैसे ही दोस्तों नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सेटअप पे आउट अकाउंट पर आप देख सकते हैं, यदि आप कोई एडमिन बनाना चाहते हैं तो और एडमिन यहाँ पर बना सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। उसके बाद यहाँ से आपने डन कर देना है। यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है वेरीफाई योर टैक्स इन्फॉर्मेशन, तो वेरीफाई टैक्स इन्फॉर्मेशन पर आपने क्लिक करना है, पर आपने क्लिक करके डन कर देना है। उसके बाद आपने इसको सबमिट फॉर रिव्यू पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन स्टार्ट अर्निंग मनी विद स्टार, यहाँ पर लिखा आ चुका है और यहाँ से हम ओके कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमारा जो है फेसबुक पेज बैंक डिटेल पे आउट जो है ऐड हो चुका है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।